जब से द फ्लैश मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब से इस मूवी को मैं देखना चाह रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर आप देखेंगे कि पास्ट में जाकर टाइम लाइन चेंज करने का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था। तो मैं ये जानने को बेताब था कि इसमें कैसे दो दो फ्लैश या कि दो दो बैरी इसमें देखने को मिलेंगे, या एक नया बैटमैन या फिर एक सुपरमैन नहीं बल्कि सुपर वूमेन इसमें देखने को मिलने वाली है। कैसे इन करेक्टर को बनाया गया है, कितना सीरियस, कितना वर्क इसके ऊपर किया गया है, तो वो सब चीज़ें जो थी मुझे एक्साइटेड कर रही थी इस मूवी को देखने के लिए। देखो द फ्लैश जो इसके ऊपर आधारित अब तक एक सीरीज भी है, लाइव एक्शन सीरीज आप देखेंगे, उसके कुछ एक एपिसोड ही मैंने देखे हैं। इसके अलावा एनिमेटेड सीरीज आया करती थी जस्टिस लीग के नाम से, हिंदी में आया करती थी, उसको मैंने बहुत देखा है और उसमें फ्लैश का करेक्टर मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद था, उसका बड़बोलापन मुझे बहुत पसंद था। आप देखेंगे तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है द फ्लैश की इसके ऊपर, फ्लैश के ऊपर बहुत सारी एक जो एनिमेटेड सीरीज थी उनके अंदर इसको बहुत अच्छे से दिखाया गया। मुझे एक मूवी याद आ रही है, शायद फ्लैश के ऊपर एनिमेटेड ही मूवी थी जिसमें बहुत सारे फ्लैश इसमें देखने को मिलते हैं, शायद मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर आपको कुछ ऐसा पता है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आपने ऐसी कोई मूवी देखी है या नहीं देखी। मुझे थोड़ा बहुत ऐसा याद आ रहा है। खैर जब इस मूवी को मैं देखने पहुंचा तो वहां पर दो मूवीज़ ऑब्वियसली थिएटर में दो मूवी मुझे नज़र आ रही थी, एक का काफ़ी ज़्यादा हाई बनाई गई थी, उस मूवी का नाम है आदि पुरुष, जो ऑब्वियसली मैं ये कहूँगा कि वो रामायण के ऊपर आधारित नहीं है, वो रामायण का मजाक बनाने के लिए वो मूवी बनाई गई है, उसके ऊपर सीरियस नोट अलग से बात करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा उस मूवी के ऊपर गुस्सा है जिस तरीके से जो मेकर्स हैं वो एक ढोंगी हिंदू बन के सामने आए। खैर मैं अपना मूड अभी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, इस मूवी के बारे में ही बात करेंगे। जब इस मूवी को मैं देखने गया तो सबसे पहले मैंने द फ्लैश नहीं आदि पुरुष मूवी देखी थी, क्योंकि मुझे पता था यार देखो इस मूवी को देखने के बाद मूड तो 100% ख़राब होना ही होना, और वो हुआ। और उस मूड को ठीक करने के लिए मुझे पता था कि द फ्लैश जो मूवी है वो मुझे डेफिनेटली हेल्प करेगी, और उसने किया भी। अब चर्चा कर लेते हैं इस मूवी में कहानी क्या देखने को मिलने वाली है। अगर आपने ट्रेलर देखा तो स्टोरी जो है उस ट्रेलर में ही दिखा देंगे कि हाँ इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। माँ थीम जो है कि भाई ये कहानी हमें क्या संदेश देती है, मतलब कि ये मूवी जो है हमें क्या संदेश देती है, जब आप पूरी मूवी देखोगे तब आपको समझ में आएगा। तो स्टोरी की हम चर्चा कर लेते हैं। जो बैरिक है वो पास्ट में जाकर अपनी माँ को बचाना चाहता है, ताकि प्रेजेंट में जो उसके पिता हैं उसकी अपनी पत्नी के इल्ज़ाम में उनको सजा होने वाली, ताकि उनको वो बचा सकें। ये सब चीज़ें वो करने के लिए वो पास्ट में जाता है, लेकिन जैसे ही वो पास्ट में जाता है तो एक मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, एक नई टाइमलाइन हमारे सामने आ जाती है, एक नया बैटमैन, एक नया सुपरमैन या फिर कहूँ सुपर वूमेन जो है वो नई सामने आ जाती है, और दो दो फ्लैश हमारे सामने आ जाते हैं। अब ये एक तरीके से गुड़ गोबर कर चुका है बैरी, अब उसको समझ नहीं आ रहा इन सब चीज़ों को कैसे ठीक करें, कैसे वो अपने टाइम में वापस जाए। इन सब चीज़ों को दिखाया गया है मूवी के अंदर। आपको जानना है ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, डेफिनेटली वो तो मैं नहीं बता सकता, आपको जाकर मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सारे स्पॉइलर, मुझे लगता है मैंने अब तक कोई स्पॉइलर दिया नहीं। आपको अगर आगे जानना है तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। अब बात कर लेते हैं कि मूवी कितनी अच्छी है और कितनी बुरी, यानी कि कहानी कितनी आपको अट्रैक्ट करती है, या इसके अंदर जो एक्शन दिखाए गए हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मूवी बहुत पसंद आई, शुरू से लेकर आखिर तक मैं इस मूवी से कनेक्ट रहा, मुझे कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इस मूवी से, मतलब जो ट्रैक पे चल रही थी ट्रैक से थोड़ा नीचे उतर गया, ऐसा कहीं पर भी फील नहीं हुआ। हाँ एक दो जगह हुआ है, वो इसका नेगेटिव पॉइंट ही मैं कहूँगा, लेकिन उसके बाद भी मुझे इस मूवी ने वापस ट्रैक पे ले आया था और इंटरेस्ट वापस बन गया था। मुझे मूवी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पास्ट को लेकर, आप पास्ट में मत जियो, आपको अपने प्रेजेंट को स्वीकारना होगा, तो वो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्शन के मामले में मुझे मूवी बहुत बढ़िया लगी है, एक जो पुराना बैटमैन इसमें हमें देखने को मिला है उसके भी एक्शन बहुत बढ़िया है। सुपर वूमेन मैं कहूँगा कि देखो मुझे लगा था कि यार इसमें फ्लैश के ऊपर ही फोकस किया जाएगा, ऐसा नहीं है, जो बहुत अच्छी चीज़ है कि हर एक करेक्टर के ऊपर बहुत बारीकी से इसके ऊपर काम किया गया है। जब वो मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने, उसके अंदर अलग अलग सुपरमैन हमें दिखाए जाते हो, उनके ऊपर भी बहुत अच्छे से सीरियसनेस के साथ उसमें काम किया गया है, और मल्टी यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत पेचीदा करके आपको नहीं दिखाया गया, आप आसानी से उस चीज़ को समझ जाएंगे। मूवी में एक और चीज़ के अंदर जोड़ी गई है, वो इसको फनी बनाना, डायलॉग बहुत अच्छे लिखे गए हैं। आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि यार काश इस सीन को रिवाइंड कर दे, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगा। मुझे एंडिंग बहुत पसंद आई, इसका ट्विस्ट उसमें दिखाया गया था, ट्विस्ट बहुत अच्छा था, फाइटिंग बहुत बढ़िया थी, मतलब उसको मेरा दिल तो था कि यार इस मूवी को फिर से, मतलब इसकी एंडिंग के लिए इसको फिर से देखूं, इतनी मुझे ज़्यादा पसंद आई थी। और साथ ही साथ बैरी की जो अपनी माँ के साथ जो लगाव है, जो प्रेम है वो दिखाया गया, वो भी मुझे वो बहुत पसंद आया, इवन मुझे वो बहुत इमोशनल भी कर देते हैं। और एक और सीन भी है जिसमें दोनों बैरी एक साथ होते हैं, वहाँ पर भी वो सीन जो होता है वो बहुत इमोशनल कर देते हैं।
ये सब चीज़ें जो हैं इस मूवी को बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हैं। एक और सीन याद है, स्टार्टिंग में जब आप नोटिस करेंगे मूवी देखने जाएंगे तो हनुमान जी का जो पोस्टर वो लगा होता है बैरी के रूम में। अब आप सोचें कि यार इसमें अच्छा गया है बुरा गया, देखो इसके बारे में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया, दिखाया मतलब सिर्फ एक पोस्टर ही लगा हुआ है पीछे बैरी के रूम में लगा हुआ है हनुमान जी का, तो उसमें अच्छा गया बुरा गया। अब इसको अगर आप ध्यान से सोचें, ध्यान से क्या सोचना है, ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि इसमें बुरा तो है ही क्या, अब हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं इसमें बुरा क्या हो सकता है, वो तो एक अच्छी बात है ना कि आपको पोस्टर दिखने को मिल, तो एक अच्छी चीज़ मानकर इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये हो गई इस मूवी की बहुत सारी अच्छाइयाँ, भाई इसकी फाइटिंग सीक्वेंस अच्छी है, VFX बहुत अच्छा है, मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, कहानी मुझे अच्छी लगी, इमोशनल एंगल इसके अंदर डाले गए हैं, इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो इसमें बुराई क्या है। देखो बुराई जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ा बहुत आपको ऐसा मूवी के अंदर लगेगी कि आप ट्रैक से नीचे उतर रहे हैं या फिर मूवी जो वो ट्रैक से नीचे उतर रही है, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ब्रेक होता है, लेकिन मेरा हुआ थोड़ी टाइम बाद वापस इसके अंदर इंटरेस्ट बन जाता है और एंडिंग तक वो बना ही रहता है। तो छोटी मोटी चीज़ें वो आप इस डेफिनेटली उसको इग्नोर कर सकते हैं और फैमिली के साथ आप इस मूवी को एंजॉय भी कर सकते हैं। कोई ऐसा कत्ल कातल तो मुझे नहीं लगा इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉयलेंस दिखाया गया हो, कोई वल्गर सीन इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग से जो एक फाइटिंग है या जो फ्लैश की जो एक्शन सीक्वेंस या फिर जो भी इसके अंदर दिखाया जाता है वो बहुत बढ़िया नज़र आएगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ जो कॉमेडी टाइमिंग इसके अंदर रखी गई है वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। हिंदी डबिंग की बात करें तो ऑब्वियसली मैंने इसको सिर्फ हिंदी डब में ही देखा है, इंग्लिश डब में या इंग्लिश वर्जन में देखने वाले भाई ऐसी नहीं है कि पैसे नहीं थे, हर टाइम कहता हूँ पैसे नहीं थे, पैसे थे, लेकिन यार एक आदि पुरुष मूवी देख ली, ऊपर से ये मूवी देख ली, तो यार दो दो मूवी एक टाइम में देख ली। अब इंग्लिश वर्जन मुझे नहीं देखना था, मैं हिंदी से ही संतुष्ट था और मुझे वो डबिंग अच्छी लगी यार। तो देखो मेरी तरफ से तो मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 7.5/10। आप लोगों ने अगर ये मूवी देखी तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप जाकर ये मूवी देखिए, अपने परिवार के साथ देखिए, अगर आप अकेले हैं तो भी आप जाकर देखिए, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देखिए, अगर देख रही है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, थोड़े बहुत कमेंट लिख दिया करो यार, कैसी लगी, नहीं लगी, बुरी लगी या जो भी है आपके मन में जो भी चल रहा है वो लिख दिया करो। तो आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।